हेलो जी, वेलकम बैक टू अवर चैनल पारुल गुलियास मोम ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पारुल गुलियास मोम ब्लॉग में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और कोकोनट ऑयल, हैवी कोकोनट ऑयल की डिमांड की थी आपने। वैसे तो मैं यूज नहीं करती, लेकिन आप कमेंट करने जा रहे हो तो चलो मैंने कहा आज करते हैं यूज। तो ये ले लिया है मैंने कोकोनट ऑयल, और ये ले ली है मैंने पारुल, और अब इसके हैवी करूंगी ऐसे, खूब ऐसे टपक जाए बालों में। आप खुश होने चाहिए, बस खुश हो जाना और कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो अभी लगाते हैं पारुल के सिर में तेल और आप करिए वीडियो एंजॉय। पर ये ढंग से गर्म नहीं करके लाए थे, देखो ये दुख है इसका, कोकोनट ऑयल का, इसलिए नहीं लगाती मैं। अभी ये गर्म कर भी लाई और भी ये निकल नहीं रहा, देखो जमा पड़ा है बिल्कुल सर्दी में। जा गर्म पानी में रख के ला इसको दोबारा। इतनी देर में ये कटोरी वाला जम गया, देखो इसको गर्म करने गए इतने, इसमें तो थोड़ा निकाला था ना, वो जम गया। अब इसको मैं बाल्टी में ही रख लूंगी, बाल्टी में है गर्म पानी। अरे इतना सारा तेल ले लिया मैंने, आधी कटोरी। ये पारुल के बालों को पिलाना है अब, है पारुल। और ये हो गया है आज पारुल का हेयर ऑयलिंग स्टार्ट। खूब सारा हेयर ऑयलिंग करना है आज मुझे, क्योंकि मेरा जो व्यूअर है एक कमेंट करता है, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को जब ऐसे कोई कमेंट करे। और मैं कोशिश करती हूँ, ओए कलेश मत करो, देखो ये मेरे को वॉइस ओवर भी नहीं करने दे रहे हैं। कल जब तुम्हारा जूस पिलाना, देखो आप इनकी बातें सुनो, क्या है मैं। देखो ये रहता है इनका, और एराज साहब कह रहे हैं कि ये उदास रहते, ये कुछ उदास नहीं रहते, ये मेरे सिर में दर्द करते हैं। देखो अब और देखो ये मान चुकी हसी सुनाई दे रही है आपको, एराज साहब मान चुकी हसी सुनाई दे रही होगी आपको। पारुल के सिर में खूब सारा तेल मैंने लगा दिया है और ये हो गया है कंप्लीट। इसमें बनाई है मैंने मिक्स वेज, थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें बची हुई थी, जैसे दो शिमला मिर्च थी, दो गाजर थी, छोटा सा गोभी का फूल था, थोड़ी सी मटर थी, थोड़ी सी बीन्स थी, और सारी चीज़ें मिक्स करके ये मिक्स वेज बन गई है मेरी। थोड़ी थोड़ी सारी सब्जियां बची हुई थी, वो पाव भाजी बनाई थी ना मैंने उस दिन, तो पाव भाजी वाली थोड़ी थोड़ी सब्जियां बची हुई थी, ये बढ़िया सी मिक्स वेज बन गई है। मिक्स वेज सारे ही पसंद कर लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं खुश होके। और अभी बना लेती हूँ मैं रोटियाँ, मानसू ने मांग ली है रोटियाँ। टाइम क्या हुआ है अभी दिखाऊँ, टाइम हुआ है 1:30 बज गया है, लंच टाइम हो गया है। पार लिए लाइटें सारी बंद कर दे बेटा और खाना खा लो, आ जाओ फटाफट। हिमांशु आ जा, टिकलू महाराज, मनु आज आज जल्दी आज बेटा, कॉपीराइट लगवाएगा इसके मूवी की साउंड का, आपको कॉपीराइट नहीं लगाएगा। लगा देंगे तभी, राम राम कर ले, राम राम नमस्ते भी कर ले, नमस्ते एराज साहब को भी कर ले। क्या एराज साहब बोल रहे हैं कि तू उदास रहता है, बताना कुछ बोलना एराज साहब को। एक रोटी सेकना तभी पे है, मां मेरी गोभी खाने दो, जाओ बोल देना कुछ नहीं। अच्छा स्पेशल आर एराज साहब को हाय कर दे, बोल मैं खाना है, खाना खाते हैं बोलते हैं। और पारुल का देखो हैवी हेयर ऑयलिंग, कोकोनट हैवी हेयर ऑयलिंग, इतनी बड़ी लाइन बोलने में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। आज मैंने देखो ऐसा कर दिया इसके बालों को, जैसे भिगो रखा है तेल में, देखो तेल में बिल्कुल डिप कर दिया है इनको। अभी भी अगर आप बोलेंगे हैवी ऑयलिंग तो मैं इससे ज़्यादा कैसे करूँगी मेरे को पता नहीं है। और पारुल ने डाल लिया है अपना खाना, देखिए खाना नहीं अपनी सब्जी डाली है, खाना अभी मैं बनाऊँगी, रोटियाँ बनाऊँगी मैं। और गुलिया साहब भी आ गए हैं आज, आज गुलिया साहब साइट पे ही गए थे, तो आज लंच पे लंच करने के लिए घर पे ही हैं, मतलब अभी अभी आए हैं, है नहीं। कहाँ है तेरे पापा? बाहर
अभी आएंगे गुलिया साहब। और लाइट चली गई है, देखो हॉल में कैसे लाइट अंधेरा सा अंधेरा सा। तो एक टूक में रोटी खत्म कर देता है बगैर। तू रोटी भी चश्मे लगा खाओगा, उतार इसको, नजर कह नहीं आई है चश्मे इसके, फिर भी लगा के बैठा है। क्या पता मुझे काली मटर ना दिखे। अच्छा बस हो गया, खत्म हो गया। छत से ना कूद रहा हूँ, डर घबरू बेटा, खुदाई कर दे, कई दिन हो गए बच्चे कूदते हैं। अपनी जिंदगी जीवा, भगवान ने इतनी बढ़िया जिंदगी दी है। हाँ देखे काम करा कर बेटा। हाँ ये पत्थर ऊपर कर दे इसको, नीचे दब गया, ये ऊपर डाल रखा था मैंने। हाँ ऐसे। और अब पता नहीं वो वीडियो देखता है नहीं, किसी ने मेरे से पूछा था कि पौधों में पत्थर क्यों रखते हैं, तो पौधों में पत्थर रखने से कह रहे हैं कि ठंड काई मिलती है इनको पौधों को। एकदम एक्सपर्ट तो मैं हूँ नहीं, बाकी मेरे को किसी ने बताया था कि पौधों में अगर पत्थर रख देना पौधों की जड़ों को ठंडक मिलती है, तो इसलिए मैंने ये पत्थर रख रखे हैं। तो मेरा बेटा करेगा आज खुदाई, कई दिन से मैं सोच रही थी
करवाऊंगी करवाऊंगी, फिर इसको कुछ ना कुछ काम होता रहता था। आज लेके आई हूँ इसको, बेटा आज तो खुदाई कर सारे पौधों की, क्योंकि इस मौसम में खुदाई बहुत ज़रूरी हो जाती है। पानी कम डाला जाता है ना, वो मिट्टी एकदम जम्मी जम्मी सी हो जाती है इस मौसम में, और एक चौमासे का जो मौसम होता है ना उसमें खुदाई बहुत ज़रूरी होती है, तब भी पानी कम डाला जाता है और अब भी। और ये देखो मेरा गुड़हल का पौधा, इसमें आ रखे हैं अभी कलियाँ, फूल आएंगे बढ़िया बढ़िया फूल आएंगे, जब दिखाऊंगी आपको। एक एक ही उस पर काफ़ी सारी कलियाँ आ रखी हैं। और अब ठंड का मौसम आ गया ना, तो ये देखो मनी प्लांट जलने लग गया। मनी प्लांट का भी कुछ ना कुछ पंगा रहता है, गर्मी में भी इसको परेशानी होती है और सर्दी में भी। मनी प्लांट की बहुत ध्यान से करना भाई खुदाई। देखो पत्ते जलने लगे, इसमें भी जलने लगे थोड़े थोड़े, ये देखो ठंड की वजह से जल रहे हैं, ये देखो। अब इसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। और इसकी कैसे करवाएं, सारे में लगा हुआ है। चलो इसको छोड़ दे, इसकी कर दे मोर पंख की। और ये बेल देखो कितनी बढ़िया हो रखी है, इसकी एक डंडी है इस साइड चली हुई है, ये अच्छी गहरी गहरी है रखी है। और ये पौधा देखो कितना मस्त हो रखा, इसमें कलियाँ आ रही है नीचे, देखिए। इसको अभी नहीं चेंज करूँगी मैं दूसरे गमले में, इसको करूँगी चेंज फरवरी में। और ये पौधा तो मान से दब के ही रह गया, पीछे नीचे नहीं दिखती इसकी लड़ियाँ, ज़्यादा भी नहीं कर सकते अब। ये तो क्या ही है, और इन दोनों के मैं काटे हैं, ये तो क्या ही है, ये इसकी कर सकते हैं बेटा, कर दे इसकी, आ जा देख। इस अशोक की भी बीमारी मिली नहीं विशेष को, सबसे बढ़िया पौधा ये है अपने आप ही। देखो एक डंडी लगाई थी, बढ़िया हो गया। एरोप्लेन आ गई। राज गुलिया साहब को मस्त मजे आ रखे, आज लंच में घर पे आ गए, अभी लंच किया गरम गरम, और अभी पेपर पढ़ रहे हैं बैठ के और धूप सेक रहे हैं। गुलिया साहब हाय करना। की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो कहीं से भी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय।